कासगंज जेल वापस लौटा अब्बास अंसारी, रोते हुए बेटे को क्या बोलकर गया। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था अब्बास। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी वापस कासगंज जेल लौट गया, मगर जाते जाते अपने रोते हुए बेटे को कुछ इस तरह उसने दिलासा दी। गाजीपुर से आया अब्बास अंसारी का ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अब्बास अंसारी अपने रोते हुए बेटे को बहलाता हुआ दिख रहा है। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद फातिहा पढ़ने गाजीपुर आया था। 10 अप्रैल को फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने आए अब्बास अंसारी के वापस लौटने का ये वीडियो है। इसमें अब्बास अंसारी अपने परिजनों और रिश्तेदारों से मुलाकात करता हुआ नजर आ रहा है। तभी पीछे से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। गोदी में ये अब्बास अंसारी का बेटा है। अपने बेटे को फुसलाते हुए उस वक्त अब्बास कहता है कि अब्बू टॉय लेने जा रहे हैं, जल्द ही आपके लिए टाइगर लेकर आएंगे। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि अपने हाथ में पॉली बैग लिए अब्बास अंसारी अपने मोहम्मदाबाद स्थित आवास फाटक से बाहर निकलता है। यहाँ परिवार के लोगों और पुलिस वालों की भीड़ है। अब्बास अपने कुछ परिचित और जानने वालों से हाथ मिलाकर और गले मिलकर उनका अभिवादन करता है। इस दौरान भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे को गोदी में लिए सामने आ जाता है। ये अब्बास अंसारी का बेटा है जो पापा को देखते ही रोने लगता है। अब्बास बच्चे को गोद में तो नहीं लेता, मगर उसे चूम कर बोलता है कि वो खिलौना लेने जा रहे हैं और फिर झटपट आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सब लोगों से मिलकर अब्बास गाड़ी में सवार होता है और सबसे ख्याल रखने की बात कहता है। ठीक है भैया, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है भैया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बता दें कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की राहत मिली थी। उसे पहले गाजीपुर जेल लाया गया और हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, जिसके बाद उसे मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उसने पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ा और परिवार के लोगों के साथ रोजा इफ्तार भी किया। अब पुलिस सुरक्षा में उसे वापस कासगंज जेल भेज दिया गया है। मुख्तार अंसारी का पुत्र व मऊ सदस्य विधायक अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में जेल की सजा सुनाई गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।